मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों का चैप्टर नंबर 9 जो है वो एंड हो गया था, और आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है संविधान का राजनीतिक दर्शन, ये हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट संविधान के दर्शन का आशय होता क्या है, आखिर इसका क्या अभिप्राय है, कहते किसको हैं संविधान का दर्शन। तो देखो, इसमें ये माना गया है कि कुछ लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि संविधान जो है वो सिर्फ कानूनों से बनता है। अगर अगर अपन संविधान की एक परिभाषा भी देखते हैं तो अपन ये कहते हैं कि संविधान जो है वो नियमों का और कानून जो है उनका एक संग्रह होता है। तो संविधान जो है वो सिर्फ कानूनों से बनता है ऐसा नहीं है, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ मूल्य और कुछ नैतिकता भी होती है जो कि हमारे संविधान के निर्माण के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब इसका कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो संविधान है या जो कानून है उनके अंदर कुछ नैतिक चीज़ें भी होती हैं, कुछ नैतिक तत्व भी होते हैं, और हमारा जो कानून है उनका संबंध जो है वो कई बार हमारे मूल्यों से और हमारे आदर्शों से भी होता है। मतलब ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि संविधान के अंदर केवल कानून होते हैं या मूल्य या आदर्श और नैतिकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये चीज़ गलत है। संविधान जो है उसका हमारे मूल्यों, आदर्शों और नैतिकता जो है उनसे भी लेना देना होता है। ये कानून जो है वो इसलिए बने हैं, या जितने भी कानून जो हैं वो इसलिए अस्तित्व में होते हैं, या लोग जो हैं वो उनको इसलिए मानते हैं क्योंकि वो मूल्यवान हैं। मतलब अगर हम उन कानूनों का पालन करेंगे तो इसके अंदर हमारा ही भला होगा। मतलब अगर कानून तोड़ते हैं तो इससे नुकसान किसी और का नहीं होता है, इससे नुकसान जो है वो स्वयं उस व्यक्ति का होता है जो उसको तोड़ रहा है। तो कानून जो है उनका पालन इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये कानून जो है ये मूल्यवान होते हैं। अब मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कानून और नैतिकता जो है उनके मध्य में गहरा संबंध होता है। अब संविधान जो है उसको एक ऐसे दस्तावेज के रूप में देखा जाना चाहिए जो कि नैतिक हो। मतलब आप केवल एक कानूनी दृष्टि से ही संविधान जो है वो नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि कानून को देखने का जो नज़रिया है वो नैतिक भी होना चाहिए। तो संविधान के प्रति जो हमारा राजनीतिक दर्शन है उससे जो अभिप्राय है उसके अंदर तीन मेन बातें जो है उनको शामिल किया गया है। सबसे फर्स्ट, संविधान जो है वो कुछ अवधारणाएं जो है उनके आधार पर बनता है, और ये जो अवधारणाएं होती हैं इन अवधारणाओं की व्याख्या जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे संविधान के अंतर्गत बहुत से पद दिए गए हैं जिनका अर्थ हमें पता होना चाहिए, जैसे कि अधिकार। अधिकार कहते किसको हैं, कौन से अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं, अगर अधिकार नहीं मिलेंगे तो व्यक्ति क्या उपाय कर सकता है, क्या कदम उठा सकता है, कौन अधिकार प्रदान करता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नागरिकों को पता होनी चाहिए। साथ ही साथ नागरिकता, नागरिकता कहते किसको हैं, नागरिकता प्रदान करने के क्या प्रावधान हैं, ये सारी चीज़ें। अल्पसंख्यक, लोकतंत्र, लोकतंत्र जैसे हमने लोकतांत्रिक विचारधारा को या लोकतांत्रिक पद्धति को भारत में अपनाया है तो लोकतंत्र होता क्या है, क्या इसके फायदे हैं, ये अन्य व्यवस्थाओं से कैसे अलग है, लोकतंत्र में जनता के अधिकार कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनके बारे में, इन अवधारणाओं के बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें हमको कहाँ देखने मिलती हैं, संविधान के अंदर। संविधान के अंतर्गत इन सभी पदों की व्याख्याएं जो हैं वो की गई हैं। इसीलिए आप देखोगे आपकी कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक जो है उनके अंदर ये सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, अधिकार भी है, नागरिकता भी है, लोकतंत्र के बारे में भी है। तो इन अवधारणाओं जो है उनको उनकी जानकारी व्यवहार में हमें होनी आवश्यक है। इसके अलावा हमारे सामने एक ऐसा समाज और एक ऐसे शासन व्यवस्था की तस्वीर होनी चाहिए जो कि हमारे संविधान की जो बुनियादी अवधारणाएं हैं उनकी हमारी व्याख्या से मेल खाती हो।
मतलब कि शासन व्यवस्था, समाज और जो बुनियादी जो हमारी अवधारणाएं हैं उनकी जो हम व्याख्या करें उनमें एक संतुलन होना चाहिए, एक सामंजस्य होना चाहिए। संविधान का जो निर्माण में किन आदर्शों की भूमिका रही है इसके बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए कि संविधान निर्माण के कौन से प्रमुख आदर्श रहे हैं। अब ये इसकी दो बातें थी। जो लास्ट इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बात इसके अंदर शामिल की गई है वो ये है कि जब भी भारतीय संविधान को आप पढ़ें या जब भी उसका अध्ययन किया जाए भारतीय संविधान का, तो संविधान सभा में जो भी बहस हुई है उन बहसों के साथ में जोड़ करके संविधान को पढ़ा जाना चाहिए। मतलब सैद्धांतिक रूप से आप जो है वो ये बता सकते हैं जिससे कि आदर्श जो भी हमने अपनाए हैं या हमारे संविधान निर्माताओं ने जिन आदर्शों को अपनाया वो आदर्श कहाँ तक सही थे, क्यों ठीक थे वो, क्या इनमें आगे कौन कौन से सुधार जो हैं वो किए जा सकते हैं। तो किसी मूल्य को अगर हम संविधान की बुनियाद मानते हैं कि भाई ये मूल्य जो है वो हमारे संविधान की बुनियाद है, तो हमको ये बताना पड़ेगा कि वो मूल्य क्यों सही है या क्यों सुसंगत है, उसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो फिर संविधान के निर्माण में हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये मूल्य जो है ये आधार था। आपको उस आधार के बारे में बताना पड़ेगा, उसकी इम्पोर्टेंस बतानी पड़ेगी, इस रीज़न से ये संविधान, ये मूल्य संविधान में महत्व रखता है। अब संविधान निर्माता जो थे उन्होंने जब भारतीय समाज का और राज व्यवस्था के जो अन्य मूल्य थे उनके बदले किसी खास मूल्य को जब उन्होंने अपनाया या उसको निर्देशित करने का फैसला किया, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास में इस चीज़ का जवाब था कि ये मूल्य क्यों इम्पोर्टेंट है। मूल्य तो बहुत सारे हैं लेकिन हमने अपने संविधान में उन्हीं मूल्यों को क्यों स्थान दिया, इसलिए स्थान दिया क्योंकि उनके पास में इस चीज़ का जवाब था कि ये आधारभूत मूल्य होने चाहिए, इनके बिना संविधान का निर्माण या उसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो उनको उस मूल्य को जायज ठहराने का उनके पास में लॉजिक था, तर्क था, इसलिए उन्होंने उस मूल्य को संविधान में अपनाया। ठीक है, अब कई बार ऐसा भी माना जाता है कि बहुत सारे तर्क जो संविधान निर्माताओं ने दिए वो स्पष्ट नहीं थे, है ना। कई लोग मानते हैं कि संविधान का जो निर्माण किया गया, जो संविधान निर्माता थे उनको वो अनपढ़ थे, उनको जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके पास में कोई तर्क नहीं था। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि उन मूल्यों को जायज़ ठहराने के लिए उनके पास में कोई तर्क नहीं थे, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये सही नहीं है। संविधान निर्माताओं ने जिन भी मूल्यों को, जिन भी आदर्शों को संविधान में स्थान दिया है उनको अपनाने का क्या नज़रिया उनका था या उनको अपनाने की क्या ज़रूरत थी, इसको जांच परख करके और फिर उनके द्वारा उसको अपनाया गया था। तो फिर भी हम कई बार ये कहते हैं कि कई मूल्य जो हैं वो हमारे संविधान में ऐसे हैं जिनको की व्याख्याओं की कसौटी पर जिनकी जांच जो है वो की जानी चाहिए, या बहुत से ऐसे आदर्श रहे हैं हमारे संविधान में जिनको की चुनौती दी गई, चुनौती मिल रही है। लेकिन फिर भी अगर आप देखते हैं कि अदालतों के अंदर बहुत बार जिरह जो है वो होती रहती है इनको लेकर के, तो ये एक राजनीतिक जीवन जो है उसकी एक अनिवार्य सांग है कि पक्ष विपक्ष जो है वो हर चीज़ के होते हैं और अपना मंतव्य जो है वो रखते हैं। और जो राजनीतिक जो हमारे जो अंग हैं जैसे कि विधायिका है, राजनीतिक दल है, मीडिया है, स्कूल्स हैं, विश्वविद्यालय हैं, इनके अंदर विचार विमर्श होता है, बहस होती है, बहुत से सवाल जो हैं वो भी उठाए जाते हैं। तो हर कोई जो भी आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, इनकी अलग अलग ढंग से व्याख्या करता है। तो यही कारण है कि कई बार ऐसी ज़रूरत महसूस होती है कि संविधान के जो भी आदर्श हैं और जो अन्य जो आपके अंग हैं उनमें इन आदर्शों की जो अभिव्यक्ति है उनमें कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। कई लोग जो हैं वो किन्हीं मूल्यों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और कई लोग जो हैं वो उन मूल्यों को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, या हर कोई अपने अपने ढंग से उन आदर्शों की व्याख्या कर रहा है। तो
ये चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो विचारों के अंदर नहीं होना चाहिए मूल्यों को लेकर के। तो ये इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो बताई गई हैं। अब संविधान जो है उसको आप इसी कसौटी पर कस सकते हैं कि उसको उसमें जो भी आदर्श जो अपनाए गए हैं उन आदर्शों को जो भी लोग हैं या जो भी अंग हैं सरकार के वो कितना उस पर अमल करते हैं, उनको कितना सही मानते हैं या कितनी कम उनके ऊपर कोई चर्चा होती है, कम डिफरेंस होता है लोगों के विचारों में उनको लेकर के, इसको एक कसौटी के रूप में देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो आपका फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर यही सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि राजनीतिक दर्शन जो है वो होता क्या है। ठीक है, इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन कैसे है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अध्ययन करेंगे। थैंक यू।